दिवाली का महोत्सव है, रोलिंग पिस्टन्स की तरफ से आप सबको हैप्पी दिवाली। अंडर 5 लाख की बजट में अगर आप कार खरीदने की सोच रहे हैं जो लुक्स, परफॉर्मेंस, टेक्नोलॉजी, फीचर्स, कंफर्ट और कन्वीनियंस में आपको दे फुल वैल्यू, तो आज की वीडियो में आपको वो हर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जिससे आपकी पूरी कन्फ्यूजन का हो जाएगा दी एंड। वेलकम टू रोलिंग पिस्टन्स, आई एम तरुण डेविड और आप सबको हमारा पिस्टन सलाम। मारुति की सबसे लंबी चलने वाली ब्रांड नेम और इंडिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी ऑल्टो 800 ही है। इसकी कहानी मारुति 800 से शुरू हुई थी। जी हाँ, ये सक्सेसर थी और नए गाड़ी के तौर पर हमारे दिलों में बस गई थी ऑल्टो 800 के नाम से। अब जो कहानी चलते जा रही है वो सिर्फ ऑल्टो के नाम से चलती जा रही है। तो जान लेते हैं इसके लुक्स के बारे में। सबसे पहले एक्सटीरियर की लुक्स की अगर हम बात कर ले तो बच्चा इस ऑल्टो 800 को, यानी कि ऑल्टो को पहचान सकता है, क्योंकि यहाँ पर मारुति सुजुकी की सिंपल डिज़ाइन फिलॉसफी आपको हर क्रीज हर कॉर्नर में दिख जाती है, जो इसको बनाती है एक परफेक्ट, ज़्यादा लाउड नहीं, ज़्यादा कम नहीं, ज़्यादा ज़्यादा नहीं, एक परफेक्ट बैलेंस्ड कार। 2019 में मारुति सुजुकी ने इसको एक फेसलिफ्ट दिया था जिससे आपको मिले थे नए बम्पर्स, न्यू हेडलाइट्स, न्यू डिज़ाइन एलिमेंट्स, न्यू बॉडी पैनल्स, न्यू ग्रिल भी आपको मिली थी, साइड फेंडर्स को भी थोड़ा सा चेंज किया गया था, मगर प्रोफाइल इसकी सिग्नेचर ऑल्टो वाली प्रोफाइल ही बनी। उसके अलावा मारुति सुजुकी का ये दावा है कि आज की ऑल्टो, यानी कि अभी की ऑल्टो, सेफ्टी और क्रैश टेस्ट रेगुलेशंस के हिसाब से बनाई गई है। तो ये दावा तो है, मगर आप रियल वर्ल्ड फीडबैक के हिसाब से ही परखें। अब एक्सटीरियर में आपको सिग्नेचर ऑल्टो प्रोफाइल तो मिलती है, मगर इंटीरियर में क्या मिलता है ये जान लेते हैं। पूरे कैबिन में आपको वही सिंपल डिजाइन फिलॉसफी की झलक दिखेगी, यानी कि डुअल टोन फिनिश भी आपको मिलेगा सीट्स पर, डोर पैनल्स पर और डैशबोर्ड पर। साथ ही साथ आपको एक स्टीयरिंग व्हील मिलेगी जो काफी मॉडर्न दिखती है। साथ ही साथ एक मॉडर्न लुकिंग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी मिल जाता है, यानी कि स्पीडोमीटर। यहाँ पर एसी वेंट्स को भी रीडिजाइन किया गया है, मगर यहाँ पर एक चीज आपको बता दे कि आपको स्टीयरिंग व्हील में कंट्रोल्स नहीं मिलेंगे। ओवरऑल स्पेस की अगर हम बात करें तो कैबिन में आप 5 लोगों को आराम से बैठा सकते हैं पेट्रोल वेरिएंट में। सीएनजी वेरिएंट में मारुति रेकमेंड करती है सिर्फ 4। इसी बजट में, यानी कि अंडर 5 लाख में आपको मिल जाता है ऑल्टो में एक 7 इंच का टच स्क्रीन एंटरटेनमेंट यूनिट, जी हाँ, जो इस गाड़ी को बनाती है आज के जमाने की गाड़ी। तो ओवरऑल इसके इंटीरियर बन जाते हैं काफी कंफर्टेबल, और इस बजट में जो आपको मिल रहा है उससे आपको सेटिस्फेक्शन तो होगी। मगर अब बात कर लेते हैं उस बात की जिस पर बहुत इंपॉर्टेंस बनती है कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि ऑल्टो में आपको मिलती है 2 वेरिएंट, यानी कि 2 पावरट्रेन्स, एक पेट्रोल एक सीएनजी। तो शुरू करते हैं पेट्रोल वेरिएंट के साथ। तो पेट्रोल वेरिएंट में आपको मिलता है एक BS6 कंप्लायंट 796 सीसी का इंजन जो बनाती है करीबन 48 bhp और 69 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। साथ ही साथ आपको ये बता दें कि अपग्रेडेड सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के साथ इसके एग्जॉस्ट सिस्टम को भी हाल ही में चेंज किया गया था। ट्रांसमिशन की अगर हम बात करें तो आपको मिल जाता है एक 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स जो इंजन स्पेसिफिकेशंस को मिलाकर आपको देती है एक परफॉर्मेंस। फ्यूल एफिशिएंसी की अगर हम बात करें, जी हाँ, सवाल उठता है कि इसमें माइलेज कितनी है। तो पेट्रोल वेरिएंट में आपको 22 किलोमीटर पर लीटर तो मिल ही जाएगा। महंगाई के जमाने में पेट्रोल वेरिएंट की बात हो गई, 22 किलोमीटर पर लीटर आपको मिल रही है, मगर सीएनजी वेरिएंट में आपको क्या मिलता है। इस वेरिएंट को मारुति सुजुकी बुलाती है SCNG। जी हाँ, S यहाँ पर सॉलिड परफॉर्मेंस, सेफ्टी और सेविंग्स के लिए मानी जाती है। जो इंजन में पावर है वो है 40 हॉर्स पावर, और जो न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क जो आपको मिलता है, यानी कि पुलिंग पावर, वो करीबन 60 है। तो यहाँ पर परफॉर्मेंस के साथ साथ जो फील आती है इस ऑल्टो वेरिएंट में वो काफी पेपी हो जाती है, काफी एक्साइटिंग हो जाती है। यहाँ पर आप ये पूछेंगे कि एक्साइटिंग तो है, पुल तो करिए, मगर माइलेज कितनी मिलेगी। तो आपको बता देते हैं कि माइलेज आपको 31.59 किलोग्राम्स पर किलोमीटर मिलेगा, जो आज के दौर में काफी वैल्यूबल हो जाती है। इस कार की वैल्यू और बढ़ाती है इसके स्टैंडर्ड फीचर्स, तो इनके बारे में जान लेते हैं। रिवर्स पार्किंग सेंसर, सीट बेल्ट रिमाइंडर, डुअल एयरबैग्स, ABS विद EBD और 3 मोड भी मिल जाते हैं आपको, यानी कि पेट्रोल, CNG और CNG फोर्स। तो यहाँ पर आपको पूरे तौर से मारुति सुजुकी दे रही है फुल पैक्ड फीचर्स, जो आपको इस बजट में भी देगी कंप्लीट सेटिस्फैक्शन। एक्सटीरियर, इंटीरियर, टेक्नोलॉजी फीचर्स, स्टैंडर्ड फीचर्स, सब की बात हो गई, आप जान चुके हैं, मगर प्राइस और कीमत आपको कितनी चुकानी पड़ेगी ये हम जान लेते हैं।
ऑल्टो की 8 वेरिएंट्स आते हैं 6 कलर्स के साथ, और जो पेट्रोल की प्राइस है वो 3.15 लाख से शुरू होती है और जाती है 4.25 लाख तक। सीएनजी वेरिएंट्स की अगर हम बात करें तो वो 4.76 से लेकर 4.86 तक आपकी हो सकती है आज अभी। तो ओवरऑल वर्डिक्ट ये है कि आज के जमाने में भी ऑल्टो बन जाती है आपके लिए परफेक्ट अफोर्डेबल ऑप्शन। मगर ये भी आपको अपडेट दे देते हैं कि ऑल्टो की नई जनरेशन को स्पाइक किया गया है, तो अगर आप वेट कर सकते हैं, थोड़ा सा और इंतजार कर सकते हैं, तो ऑल्टो की नई जनरेशन भी आ रही है आपके लिए। अब आते हैं इसके सॉलिड डायरेक्ट कंपेटिटर पर, यानी कि द रेनो क्विड। फ्रेंच ऑटोमेकर की कोशिश काफी हद तक सफल हो सकती है ऑल्टो को अपने सिंहासन से उतारने का। तो शुरू करते हैं इसके एक्सटीरियर लुक्स के साथ। एक्सटीरियर डिजाइन में आपको मिल जाता है मस्कुलर फ्रंट बम्पर, स्प्लिट हेडलाइट सेटअप, एलईडी डीआरएल, 3 स्लैट ड्रिल, और पीछे आपको मिल जाता है एक रियर सी शेप्ड के गाइड लाइट्स। ओवरऑल इसके बॉडी पैनल्स, व्हील आर्चेस, रूफ स्पॉइलर, सभी एलिमेंट्स इसको देते हैं एक प्रॉपर रफ रोड स्टांस। जी हाँ, एक सॉलिड स्टांस मिलता है यहाँ पर एक मिनी एसयूवी का क्विड को, तो यहाँ पर स्टाइलिंग के डिपार्टमेंट में स्कोर करती है हाई। एक्सटीरियर में तो ये एसयूवी की तरह दिखती है, मगर इंटीरियर में कैसी दिखती है ये जान लेते हैं। इंटीरियर में आपको एक पियानो ब्लैक सेंटर कंसोल और साथ ही साथ डुअल टोन हाइलाइट्स भी देखने को मिल जाते हैं, जो इंटीरियर को ओवरऑल काफी अट्रैक्टिव और सुंदर बनाती है। सेंट्रल डैशबोर्ड में आपको मिल जाता है एक 8 इंच का टच स्क्रीन यूनिट, जिसमें एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले भी है, और साथ ही साथ आपको वॉइस रिकग्निशन भी मिलती है। इसके अलावा आपको मिलता है एक फुली डिजिटल एलईडी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, और साथ ही साथ आपको मिल जाता है एक रिवर्स पार्किंग कैमरा, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, ABS विद EBD, डुअल एयरबैग्स, सीट बेल्ट रिमाइंडर, स्पीड अलर्ट सिस्टम, और बाकी अन्य फीचर्स जो इस पैकेज को यानी क्विड के अंदर बनाती है फुल वैल्यू। फुल वैल्यू के तौर पर क्विड और भी आगे निकल जाती है अपने बूट स्पेस के साथ, यानी कि 279 लीटर्स की बूट स्पेस आपको मिलती है। तो यहां पर यूटिलिटी के हिसाब से क्विड करती है स्कोर काफी हाई, और आपको मिल जाती है अल्टीमेट कन्वीनियंस। कन्वीनियंस की तो बात हमने कर ली, मगर यहां पर जो सवाल उठता है वो ये है कि क्विड एसयूवी की तरह दिखती है मगर एसयूवी की तरह परफॉर्म करती है कि नहीं, तो इंजन स्पेसिफिकेशंस जान लेते हैं। इंजन के तौर पर आपको मिल जाते हैं दो चॉइसेस, यानी कि एक 0.8 लीटर का 3 सिलेंडर यूनिट और एक 1 लीटर 3 सिलेंडर यूनिट। जी हाँ, 3 सिलेंडर ही आपको मिलते हैं। जो मैनुअल गियरबॉक्स है वो 5 स्पीड मैनुअल आपको मिल जाता है 0.8 लीटर के साथ, और जो AMT गियरबॉक्स है वो आपको मिलता है सिर्फ 1 लीटर के इंजन में। तो 0.8 लीटर और 1 लीटर में जो पावर डिफरेंसेस आ जाते हैं वो आ जाते हैं BHP और टॉर्क के हिसाब से, यानी कि 53 BHP लेकर 0.8 लीटर एंड 67 BHP लेके 1 लीटर। जो टॉर्क के फिगर्स है वो 72 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क 800 cc में यानी कि 0.8 लीटर में एंड 91 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क 1 लीटर के इंजन में। यहां पर फ्यूल एफिशिएंसी भी आपकी उसी हिसाब से बनती है, यानी कि 23 से या 22 में भी आ सकती है अगर आप ध्यान से चलाएं, और 25 तक पहुंच जाती है AMT ट्रांसमिशन में। तो ओवरऑल क्विड कंफर्ट, टेक्नोलॉजी और फीचर्स के हिसाब से एक वेल बैलेंस्ड गाड़ी बन जाती है। और ऑल्टो से अगर आपको कुछ और गाड़ी चाहिए, यानी कि एक स्टेप और, क्योंकि ऑल्टो एक बेहतरीन हैचबैक है, मगर क्विड जो बन जाती है वो बन जाती है एक मिनी SUV, यानी कि एक अलग प्रोफाइल लेके वाली गाड़ी जो आपको दे सकती है बहुत ही कंप्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस। तो ओवरऑल SUV लुक्स के साथ, प्रोफाइल के साथ, फीचर्स के साथ रेनो क्विड ने काफी आपका दिल जीत लिया होगा, मुझे यकीन है। मगर उसके बाद बारी आती है इंडिया के दूसरे फेवरेट कार की, यानी कि Hyundai Santro की। Hyundai Santro भी ऑल्टो की तरह काफी आइकॉनिक ब्रांड नेम है, और बच्चा बूढ़ा सभी लोग इसको पहचानते हैं सिर्फ नाम सुनकर। मगर ये पहले थोड़ी अलग दिखती थी, और आज की Santro जो है वो काफी अलग है स्टाइलिंग के डिपार्टमेंट में। तो आज अभी शुरू करते हैं इसके एक्सटीरियर लुक्स के साथ। Hyundai की डिजाइन लैंग्वेज काफी चेंज होती रहती है, फेसलिफ्ट्स आते रहते हैं, मगर इस Hyundai Santro में आपको मिल जाता है कंप्लीटली न्यू प्रोफाइल। इस प्रोफाइल की शुरुआत होती है Hyundai की सिग्नेचर कैस्केडिंग ग्रिल के साथ, जो अपस्वेट हेडलैम्प्स में बिल्कुल सीमलेसली ट्यून हो जाती है, स्टिच हो जाती है। तो यहाँ पर Hyundai डिजाइन लैंग्वेज की जो स्मूथनेस है, जो कंप्लीटनेस है, वो आपको मिल जाती है इसके चेहरे पर ही। मगर इसकी एक्सटीरियर कैसे दिखते हैं, क्योंकि वहां पर थोड़ी सी प्रीमियमनेस आपको जरूर मिलेगी, जान लेते हैं। Hyundai का ये दावा है कि ये Santro बिगर और वाइडर है, यानी कि पहले से बड़ी। तो इसकी इंटीरियर कैबिन में आपको वो स्पेस मिलती या नहीं, हम बता देते हैं, आपको जरूर मिलती है। साथ ही साथ आपको डुअल टोन इंटीरियर्स मिलते हैं ब्लैक और बेज के बीच, जो इसको काफी प्रीमियम बनाती है, यानी कि ऊपर वाले सेगमेंट की गाड़ियों की तरह ही आपको फील मिलेगा इसके इंटीरियर कैबिन में। बजट कार है, मगर Hyundai Santro में भी वो सारे फीचर्स आपको मिलेंगे जो सीधा टक्कर देती है कंपटीशन को, यानी कि उनसे आगे भी निकल जाती है कुछ हद तक, क्योंकि यहां पर आपको मिलता है फ्रंट डैशबोर्ड में एक स्टार,
जिया स्टार किस रूप में, एक 7-inch इंफोटेनमेंट सिस्टम। इंफोटेनमेंट सिस्टम में आपको मिल जाता है एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कापले भी, मगर इसके अलावा ह्यूंडई आपको देती है एक लंबी लिस्ट ऑफ फीचर्स, जिसमें से कुछ फीचर्स है यानी कि रियर डिफॉगर, रियर वाइपर वॉशर, स्टीयरिंग व्हील माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स, मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग व्हील हो जाती है आपकी, उसके साथ ही साथ रिवर्स पार्किंग कैमरा, रियर एसी वेंट्स, ये सारे फीचर्स इस सेंट्रो को बनाती है काफी फीचर पैक, जो ऊपर सेगमेंट की गाड़ियों की तरह ही आपको मिलती है एक्सपीरियंस। ह्यूंडई के फीचर्स सिर्फ एंटरटेनमेंट से ताल्लुकात नहीं रखते और यहाँ पर सेफ्टी का भी ध्यान रखा गया है, यानी कि आपको मिलते हैं डुअल फ्रंट एयरबैग्स, सीट बेल्ट में प्रीटेंशनर्स और साथ ही साथ ABS विद EBD। मगर एक बात का ध्यान आप रख ले कि जो डुअल फ्रंट एयरबैग्स है वो सिर्फ स्टैंडर्ड है एस्टा वेरिएंट में, यानी कि टॉप वेरिएंट में, जो बाकी के वेरिएंट्स है वहां पर सिर्फ आपको ड्राइवर एयरबैग ही मिलता है। बजट हैचबैक है, फीचर्स है, टेक्नोलॉजी है, सेफ्टी है, मगर इसको चलाती है क्या, यानी कि इसकी इंजन परफॉर्मेंस कैसी है, ये हम जान लेते हैं। सेंट्रो को आगे बढ़ाती है इसकी BS6 कंप्लाइंट 1.1 लीटर एप्सिलॉन इंजन, जो बनाती है करीबन 69 PS की पावर एंड 101 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। इसके अलावा आपको मिलता है एक बाई फ्यूल वेरिएंट, यानी कि पेट्रोल एंड CNG। जी हाँ, पेट्रोल एंड CNG ह्यूंडई की तरफ से फैक्ट्री फिटेड आपको मिल जाती है, तो चलते चलते आप चूज कर सकते हैं कब आपको पेट्रोल यूज करना है, कब आपको CNG यूज करना है, यानी कि 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ इस CNG यूनिट का जो परफॉर्मेंस है, यानी कि 59 PS की पावर और 86 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क, ये काफी ज्यादा हद तक आपको सेटिस्फैक्शन देगी। जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है वो सिर्फ पेट्रोल यूनिट में, यानी कि पेट्रोल मोटर और इंजन के साथ ही मिलता है, तो यहाँ पर CNG वेरियंट में आपको ऑटोमेटिक की थोड़ी सी कमी हो जाएगी, मगर पूरे तौर पर आपको मिलेगी कंप्लीट सेटिस्फैक्शन। जो सवाल उठता है वो है कि माइलेज कितनी है इस गाड़ी में, क्योंकि कितना देती है, ये एक कॉमन क्वेश्चन हो गया है पूरे इंडिया में और अभी आज के दौर में, आज के जमाने के हिसाब से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाती है। तो आपको बता दे कि आपको मिल जाएगी 20.3 किलोमीटर पर लीटर पेट्रोल वेरिएंट में, और जो CNG वेरिएंट है वो आपको दे देगी 30.56 किलोमीटर पर किलोग्राम। अब ये पूरा पैकेज, यानी कि सेंट्रो की गाड़ी आपको कितने कीमत में, यानी कि कितने प्राइस में मिलेगी, ये जान लेते हैं। सेंट्रो के पेट्रोल वेरिएंट्स 4.75 से लेकर 6.45 लाख तक आ जाती है, तो यहाँ पर बजट थोड़ा सा स्ट्रेच हो सकता है, मगर आप ये जान ले कि लो वेरिएंट्स में भी आपको एडवांटेज मिलेगी, सेटिस्फैक्शन मिलेगा। अगर CNG वेरिएंट्स की बात करें तो यहाँ पर आपको 5.99 टू 6.21 लाख में आपको गाड़ी मिल सकती है, यानी कि वही एडवांटेज के साथ जो बाई फ्यूल है, चलते चलते पेट्रोल या CNG, क्या सोच रहे हैं, जल्दी खरीदिए। अब बात करते हैं एक ऐसी गाड़ी की जो काफी अलग, काफी यूनिक दिखती है और कम बजट की हैचबैक से देती है आपको कुछ ज्यादा, यानी कि दी मारुति एस्प्रेसो। मारुति ने एक मिनी SUV को इस सेगमेंट में उतारा है। जी हाँ, आपने सही सुना, एक मिनी SUV, मगर 5 lakhs के कम बजट में। बिल्कुल, अब प्राइस की बात कर ही रहे हैं तो आपको बता देते हैं कि एस्प्रेसो आपकी हो सकती है सिर्फ 3.78 lakhs एक शोरूम में, वो भी पेट्रोल वेरिएंट। तो पहले शुरू करते हैं इसके लुक्स के साथ, क्योंकि इसकी लुक्स ही इसको देती है अलग पहचान। तो देख लेते हैं डिटेल में कि एस्प्रेसो दिखती कैसे है। देखते ही आपको लगेगा इसकी टॉल SUV पोस्चर, स्टांस, जो प्रोफाइल बनती है, वो सच में इसको थोड़ी एक मिनी SUV की पहचान देती है, जो मारुति ने बहुत खूबी से इसमें डिजाइन एलिमेंट्स डाले, जिससे आपको पता चलेगा ही नहीं कि ये हैचबैक है। अगर आप ध्यान से देखें तो मारुति सुजुकी के डिजाइनर्स ने स्क्वायर शेप को हर डिजाइन एलिमेंट में यूज किया है, यानी कि हेडलैम्प से लेके बॉडी पैनल से लेके व्हील आर्चेस से लेके पूरे प्रोफाइल में आपको वो स्क्वायर शेप दिखेगी, जो इसको बनाती है काफी टफ और रोड प्रेजेंस भी काफी सॉलिड हो जाती है। मगर इंटीरियर में भी यहाँ पर जो डिजाइन एलिमेंट्स आपको मिलते हैं वो भी इसको काफी अलग बनाते हैं दूसरे गाड़ियों के साथ जो इस सेगमेंट में है और इस सेगमेंट से ऊपर भी। तो इंटीरियर पे थोड़ी नजर डाल देते हैं। तो जैसे हमने बताया कि इसकी इंटीरियर की स्टाइलिंग भी एक्सटीरियर की तरह काफी अलग है और आपकी नजरें सीधा पड़ती है इसके डैशबोर्ड पर, क्योंकि डैशबोर्ड पर है एक सर्कुलर सेंटर एलिमेंट। जी हाँ, कलर मैचिंग है एक्सटीरियर के मुताबिक और इस सर्कल एलिमेंट में आपको मिल जाता है टच स्क्रीन सिस्टम और साथ ही साथ उसके ऊपर आपको मिल जाता है डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। ये याद दिलाएगा आपको एक मॉडल की, यानी कि BMW मिनी कूपर की। जी हाँ, वही स्टाइलिंग और वही डिजाइन एलिमेंट यहाँ पर मारुति एस्प्रेसो में आपको मिल जाती है। तो सेंट्रल एलिमेंट ही बन जाता है आपका सेंटर फोकस इंटीरियर का, क्योंकि इसमें ही आपके पावर विंडो स्विचेस भी आ जाते हैं, तो सारा सिस्टम और सारी नजर आपकी सेंटर की तरफ चली जाती है। स्टीयरिंग व्हील के पीछे कुछ नहीं मिलता, एक नॉर्मल डैशबोर्ड मिलता है, मगर स्टीयरिंग व्हील में आपको मिल जाते हैं ऑडियो कंट्रोल्स, जो इसको काफी प्रीमियम फील दे देती है। तो यहाँ पर आपको एक यूनिकनेस तो मिलती है, मगर उस यूनिकनेस को आगे क्या चलाती है,
यानी कि इंजन स्पेसिफिकेशंस क्या है ये जान लेते हैं। तो एस्प्रेसो में आपको मिल जाता है एक फेमिलियर यानी कि जानी पहचानी 1 लीटर 3 सिलेंडर इंजन। जी हाँ, ये वही इंजन है जो सेलेरो में भी इस्तेमाल होती है, ए स्टार और वैगनार में भी इस्तेमाल हुई थी, और ये बनाती है करीबन 67 BHP की पार और 19 Nm ऑफ टॉर्क। साथ ही साथ जैसे इसने दूसरे गाड़ियों में परफॉर्मेंस दी थी, यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस और माइलेज दोनों ही मिल जाते हैं, यानी कि 21.2 से लेकर 21.7 किलोमीटर पर लीटर की उम्मीद तो रहती है इस 1 लीटर 3 सिलेंडर इंजन के साथ। माइलेज, परफॉर्मेंस, टेक्नोलॉजी और डिजाइन की बात हो गई, मगर यहां पर सेफ्टी के तौर पर आपको क्या मिलता है ये आपको बता देते हैं। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि एस्प्रेसो बनाई गई है मारुति की हार्टटेक प्लेटफॉर्म में, यानी कि फ्यूचर रेडी है ये गाड़ी, क्योंकि यहाँ पर हाई टॉर्शनल स्ट्रेंथ, हाई स्ट्रेंथ टाइल स्टील, और वो प्रॉमिस बन जाता है मारुति की तरफ से कि आपको सेफ्टी मिलेगी पिछले गाड़ियों से ज़्यादा, यानी कि यहाँ पर ABS प्लस EBD, डुअल एयरबैग्स भी मिलते हैं, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स भी मिलती है, तो पूरे कंप्लीट सेफ्टी प्रोफाइल के साथ एस्प्रेसो आपको मिल रही है आज अभी। अब फाइनल वर्डिक्ट से पहले आपको दे देते हैं एक बोनस कार, यानी कि टाटा टियागो की XE वेरिएंट जो बजट में आपकी हो सकती है बहुत जल्द। सबसे पहले आप ये जान ले, और वो भी बहुत शान से, कि ये इंडिया की सेफेस्ट कार थी काफी टाइम तक, क्योंकि 4-स्टार रेटिंग से ये अभी भी रैंकिंग्स में सबसे ऊपर रहती है, वो भी ग्लोबल NCAP रेटिंग्स के मुताबिक। यहाँ पर इस गाड़ी को मिले थे मैक्सिमम से मैक्सिमम पॉइंट्स चाइल्ड सेफ्टी और अडल्ट ऑक्यूपेंसी के तौर पर। तो यहाँ पर जो प्रॉमिस है टाटा का सेफ्टी का, वो कायम है टियागो में, जो 5 लाख में आपकी हो सकती है। स्टाइलिंग की अगर हम बात करें तो टाटा टियागो की इंपैक्ट 2.0 डिजाइन फिलॉसफी आपको दिख जाती है इसके हर क्रीज, हर बॉडी पैनल में, चाहे वो फ्रंट ग्रिल हो, जो ट्राइस्टार ग्रिल है, जो हेडलैम्प्स है, बम्पर्स है, जो मस्कुलर स्टाइलिंग है, व्हील आर्चेस है, पीछे में जो लाइंस कंप्लीट होती है, रियर सेक्शन को बनाती है, ये पूरी प्रोफाइल एक टाटा कार से बिल्कुल मिलती जुलती है। अब हम जब टाटा कार के बारे में सोचते हैं तो हमें यही प्रोफाइल दिखती है, चाहे वो छोटी गाड़ी हो या बड़ी। पर सवाल ये उठता है कि टाटा की दूसरी गाड़ियों की तरह यहाँ पर आपको पावर और परफॉर्मेंस मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो जान लेते हैं इसके इंजन की स्पेसिफिकेशन। तो इसमें आपको मिलता है एक 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर रेवट्रॉन इंजन। जी हाँ, थोड़ा जाना पहचाना लग रहा है, क्योंकि हाल ही में टाटा पंच भी लॉन्च हुई थी, उसकी बात हम करेंगे थोड़ी सी देर में, क्योंकि टाटा पंच काफ़ी अच्छा प्रॉस्पेक्ट हो जाता है अगर आप बजट एक्सपैंड कर सकते हैं, मगर यहाँ पर आपको वही इंजन मिलता है, यानी कि 85 BHP की पार बनाने वाला विथ 130 Nm ऑफ टॉर्क। तो यहाँ पर आपको कोई लॉस नहीं हो रहा है, 5 लाख एक शोरूम के बजट में आपको पार पैक परफॉर्मेंस मिल रही है इस इंजन में। माइलेज के हिसाब से, जी हाँ, टाटा गाड़ी को आप खरीद रहे हैं, मगर माइलेज आपको कितनी मिलेगी, क्योंकि आज के ज़माने में ये हो गया है, और मैंने बता दिया रिपीटेडली कि ये हो गया है नंबर 1 क्वेश्चन, कि माइलेज कितना देती है टाटा टियागो। टाटा टियागो आपको देती है 19.8 किलोमीटर पर लीटर। जी हाँ, 1.2 लीटर की 3 सिलेंडर रेवट्रॉन इंजन के साथ 85 BHP के साथ आपको मिलता है 19.8 किलोमीटर पर लीटर, जो काफ़ी बुरी चीज़ नहीं है, और यहाँ पर देती है आपको एक बैलेंस परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी के बीच। आ जाती है बात इंटीरियर की, क्योंकि आप बैठे होंगे इंटीरियर पे, तो वो कैसी दिखती है ये आप देख लें। तो XE के इंटीरियर्स में आपको मिल जाते हैं फुल फैब्रिक सीट्स, और डुअल टोन फिनिश भी आपको मिल जाता है डैशबोर्ड में, सीट्स में, और साथ ही साथ आपको स्टोरेज कैपेसिटी भी बहुत मिल जाती है, यानी कि डोर पॉकेट्स में काफ़ी स्पेस मिल जाती है। ओवरऑल कंफर्ट की अगर हम बात करें तो फीचर्स के हिसाब से यहाँ पर आपको मिलेगा इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग व्हील, ड्राइवर्स फुट रेस्ट, इंटीग्रेटेड रियर हेड रेस्ट भी आपको मिलेगा, टिल्ट एडजस्टेबिलिटी आपको मिल जाती है स्टीयरिंग व्हील में, जो काफ़ी कार्स में नहीं मिलती, यानी कि इसके ऊपर वाले सेगमेंट के गाड़ियों में भी काफ़ी गाड़ियों में नहीं मिलती है बिल्कुल। यहाँ पर टाटा ने आपको टियागो में दी है 5 लाख एक शोरूम में ये सारे कंफर्ट क्रीचर्स, तो यहाँ पर ये गाड़ी काफ़ी अच्छी चॉइस बनते जा रही है। आगे जान लेते हैं इसमें और क्या मिलता है। तो टाटा टियागो बन जाती है आपकी एक एक्स्ट्रा चॉइस, यानी कि 5 लाख एक शोरूम में एक एक्स्ट्रा कार, जो फीचर्स के हिसाब से मगर सेफ्टी के हिसाब से बहुत ऊंचा स्कोर करती है। फीचर्स में भी काफ़ी ठीक ठाक है, मगर हम बात कर रहे हैं टाटा की, यानी कि टाटा फैक्ट्री की, तो यहाँ से आपको एक चीज़ बता देते हैं कि टाटा की पंच जो हाल ही में लॉन्च हुई थी वो करीबन 49,000 थोड़ी ही ऊपर चली जाती है इसके बजट से। तो अगर आप इंटरेस्ट रहे तो टाटा पंच भी आपके लिए बहुत बेहतरीन चॉइस हो सकती है। तो अब समय आ गया है हमारी चॉइस का, ना 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 ना, आपकी चॉइस का। जी हाँ, इस सारे इन्फॉर्मेशन के बाद
आपकी बनती है यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी यानी कि चॉइस बनाने की, क्योंकि हैचबैक तो हो गई, मिनी एसयूवी टाइप हैचबैक भी हो गई, अलग अलग डिज़ाइन, अलग अलग टेक्नोलॉजी, अलग अलग फीचर्स, अलग अलग एडवांटेज और डिसएडवांटेज के साथ आपके सामने आज की वीडियो प्रेजेंट हो गई है। अब आपके हाथ में है कि आप क्या चूज़ करें, मगर हमको ये यकीन है कि जो भी चॉइस आप लेंगे वो लेंगे दिल से, दिमाग से, कॉम्बिनेशन के साथ, क्योंकि रोलिंग पिस्टन्स अपने रोलिंग कंटेंट, रोलिंग अपडेट्स के साथ आते रहेंगे। मैं आता रहूँगा, आई एम तरुण डेविड, दिस इज द रोलिंग पिस्टन्स, और आप सबको हैप्पी दिवाली, और हमारे तरफ से पिस्टन सलाम।